स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं आज 18 मई की 25 अहम खबर। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल के इलाके गातोन में इसराइली बटालियन के नए हेडक्वार्टर पर ड्रोन से बमबारी का दावा करते हुए कहा, हमारे हमले में मारे गए मुतअद्दिद इसराइली फौजी। इसराइली फोर्स की दरअंदाजी फिर हुई उजागर, इसराइली फौज ने अलखलील शहर में वाक़ तारीखी मस्जिद इब्राहिमी पर फिर किया धावा, अजान देने से और फिर मगरब की नमाज अदा करने से भी रोक दिया। गजा से 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें बरामद, डांस पार्टी पर हमास के हमले में हलाक होने का किया गया था दावा, 100 के करीब इसराइली होस्टेजेस अब भी हमास की कैद में होने का इंकशाफ। भूखे फलस्तीनियों के लिए खाना ले जा रहे इमदादी ट्रकों पर इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का हमला, जला दिए ट्रक, दिगर सामान भी कर दिया बर्बाद, अमेरिका ने भी यहूदी आबादकारों के हमलों की कर दी मजम्मत। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और शहरों में इसराइली हुकूमत के हाथों हो रही नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे जारी, यमन के सना में लाखों अफराद ने सड़कों पर निकल कर फलस्तीनियों से किया एकजहती का इजहार। किर्गिस्तान में मकामियों और गैर मुल्की तलबा के दरमियान हंगामा आराई के बाद झड़पें, कई पाकिस्तानी तलबा हुए जख्मी, हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को घरों तक महदूद रहने की एडवाइजरी जारी। फ्रांस में मुसलमानों के लिए जिंदगी कर दी जा रही है तंग, नफरत में सलूक और भेदभाव की वजह से कई माहिर और बासलाहियत मुसलमान फ्रांस छोड़कर जा रहे हैं। ईरान में हैरत अंगेज तौर पर एक शैतानी नेटवर्क बेनकाब, शैतान परस नेटवर्क के 250 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, 3 यूरोपियन शहरी भी शामिल, शराब और दीगर तरह की मंशियात भी की गई जब्त। ईरान के शहर मशहद में शदीद बारिशों से पैदा हो गई सैलाबी सूरत हाल, अब तक 7 अफराद हलाक, मंगल से शुरू हुई मूसलाधार बारिशों का ये सिलसिला आइंदा कई रोज तक जारी रह सकता है। सऊदी अरब आज हफ्ते से अगले बुध तक बारिश, गरज चमक और गर्द आलू तूफान के अलर्ट में, बारिश से मुतासर मकाम से दूर रहने की सऊदी शहरियों को दी गई हिदायत। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की वकालत करने वाले लालू यादव पर बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा सरमा को आया गुस्सा, कहा पाकिस्तान जाकर वहां मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दें लालू यादव। केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी पर मारपीट का इल्ज़ाम लगाने वाली स्वाति मालीवाल पर ही उठ रहे हैं सवाल, नई वीडियो आई सामने जिसमें वो नज़र आ रही हैं बिल्कुल ठीक, आपने कहा बीजेपी के दबाव में स्वाति ने लगाए हैं इल्ज़ाम। इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान नौजवान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार पर हमला, थप्पड़ मारने की कोशिश, कन्हैया कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी पर लगाया हमले का इल्ज़ाम, हमले के बाद नए जोश के साथ नजर आए कन्हैया कुमार। रायबरेली में राहुल गांधी के लिए इंतखाबी तशहीर करने पहुंची सोनिया गांधी ने आवाम से किया जज्बाती खिताब, कहा जैसे आपने मुझे अपना माना उसी तरह मैं आप लोगों को अपना बेटा सौंप रही हूं। अमेठी में क्षत्रिय कम्युनिटी के राजपूत लोगों का फूटा बीजेपी और स्मृति ईरानी के खिलाफ गुस्सा, राजपूत न सिर्फ कसम खा रहे हैं बल्कि लोगों को कसमें भी दिलवा रहे हैं कि इस मरतबा बीजेपी को वोट नहीं देना है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के कांग्रेस हुकूमत जायदाद का आधा हिस्सा मुसलमानों को दे देगी वाले बयान पर कहा, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो जमीन से लेकर भैंस तक बंटवारा करने की बात करते हैं। पीएम मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें शेख चिल्ली कहते हुए कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने उड़ाया खूब मजाक, कहा शेख चिल्ली नाम का एक कैरेक्टर अपने ऊंट पटांग कारनामों के लिए था मशहूर। हरियाणा के नूह में पलवल एक्सप्रेसवे पर पेश आया भयानक हादसा, टूरिस्ट बस में लगी आग, ड्राइवर आग लगी बस दौड़ाता रहा, 8 लोगों की हुई जलकर मौत। हैदराबाद में सहपहर 4:30 बजे से मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, आम जिंदगी मफलूज, महकमा मौसमियात ने किया खबरदार, कहा 24 मई तक आंध्र और तेलंगाना में होगी मूसलाधार बारिश। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को झटका, आज शाम बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग के लिए नहीं मिली परमिशन, लोकसभा इलेक्शन कोड और ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन के पेश नज़र नहीं दी गई इजाजत। हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप दुरीशेट्टी ने ईवीएम रखे गए स्ट्रांग रूम पर मुसलसल निगरानी रखने का दिया हुक्म, नामपल्ली के एग्जीबिशन ग्राउंड में रखे गए हैं ये ईवीएम।
तेलंगाना हुकूमत ने सभी डिपार्टमेंट को एक सर्कुलर जारी करते हुए फौरी असर से सरकारी महकमों, लेटर पैड व दीगर सभी जगह TS को TG से बदलने का जारी किया हुक्म। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करते हुए 12 जून को स्कूल्स खुलने से पहले स्कूलों की मरम्मत की निगरानी करने की जिला कलेक्टरों को दी हिदायत। पेट बशीराबाद पुलिस ने मुबैना तौर पर जमीन तनाजा मामले में साबिक रियासती वजीर व BRS लीडर मल्ला रेड्डी को उनके दामाद राजशेखर रेड्डी और उनके हामियों के साथ हिरासत में लिया। और गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से मिर्चल जिले के घटकेसर मंडल के तालाब में जवाहर नगर डंपिंग यार्ड का वेस्टेज मिल जाने से हजारों मछलियां मर गई। तालाब पर मुनसर 700 खानदानों को मुश्किलात का सामना। स्पीड न्यूज में ये थी दिन भर की अहम 25 खबरें। देखते रहिए BBN चैनल। शिफा क्लिनिक, दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए, डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शन का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदर नगर, कुकटपल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। अरफा टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप, हज कर लो इस बार फिर ऐसा मौका मिले ना अगली बार। बजरिए अरफा टूर्स कम खर्च में मौका है इस बार, सिर्फ 5,67,890 रुपये। हज कमेटी में नाम न आने वाले आजमीन के लिए खसूसी पेशकश हज 2024 महदूद निश्ते दस्तयाब है। हज वीज़ा मुअल्लिम के साथ मक्का और मदीने मुनव्वरा की रिहाइश, 3 वक्त हैदराबादी खाना और साथ में मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें। क्लॉक टावर शिफ्टिंग ग्रुप 7,86,000 रुपये। तो देर ना करे, रब्त करे अरफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप हाफिज मोहम्मद अफजल से 8686338469392644008 पर।